इससे पहले बिजली कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का वीडियो जारी करने वाले मांगीलाल अग्रवाल के खिलाफ दर्ज देशद्रोह की धारा हटा दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद पुलिस ने अग्रवाल पर दर्ज एफआईआर में राजद्रोह की धारा 124A हटा दी है। हालांकि अग्रवाल पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर दर्ज केस चलता रहेगा। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ निवासी मांगीलाल अग्रवाल बिजली कटौती को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था, जिसमें उसने राज्य सरकार और इन्वर्टर्स कंपनी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया था और आरोप लगाते हुए सीएम बघेल पर अभद्र टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद बिजली कंपनी ने आरोपी के खिलाफ राजनांदगांव कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राजद्रोह और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की, आपको बता दें गिरफ्तारी की थी, लेकिन शुक्रवार को मामला उठता देख सीएम बघेल ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से पुनः परीक्षण की निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में राजद्रोह की धारा हटा दी है। डीजीपी डीएम अवस्थी के मुताबिक जांच में मांगीलाल के खिलाफ राजद्रोह के तथ्य नहीं मिले हैं, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले में सीएम बघेल ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन राजद्रोह जैसा मामला दर्ज करना ठीक नहीं है। सीएम ने ये भी कहा है कि अफवाह फैलाना भी ठीक नहीं है। और कोई विचार व्यक्त कर रहा है उसके खिलाफ राजद्रोह जैसे मुकदमे नहीं लगने चाहिए। और हमने तो घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था, और जैसे मुझे जानकारी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को बिना तथ्य के अफवाह फैला।